नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ट्यूसडे के वीडियो में चर्चा की थी कि मार्केट में जो अपमूव आया था वो बेसिकली रिलीफ रैली था और मार्केट ने डेटा पॉइंट्स को रिस्पेक्ट किया और हमारा जो मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन था कि मार्केट में वीकनेस रहेगी तो मार्केट ने आज उसको फॉलो किया और मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई और एक समय मार्केट आज 2% डाउन थी। तो दोस्तों, इंट्राडे में बेसिकली हम जो फ्रेश पोजीशंस क्रिएट होती हैं हम उसके बेसिस पे जो है एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दूसरी आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे आपको फ्रेश पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी होंगी 17,000 और 17,100 पे कॉल राइटिंग की ये पोजीशंस थी। तो हमें यहाँ पे जो संकेत मिला था वो 9:26 पे मिला था। यहाँ पे स्कोर डिक्रीज हो रहा था, हमारा रेफरेंस पॉइंट 17,055 था। तो ये मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दिखाता हूँ, फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप यहाँ पे ये अपडेट आपने किस समय दिया, हमें देखना है। तो यहाँ पे 5 मिनट पहले का ये अपडेट 9:31 पे कैप्चर किया, तो ये अपडेट 9:26 पे दिया गया था। आप जाके अपनी लर्निंग के लिए उस समय मार्केट में क्या हो रहा था देख सकते हैं। तो इंट्राडे की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो दोस्तों, मार्केट में FIIs की सेलिंग बदस्तूर जारी है और यहाँ पे आज फिर 6,000 करोड़ की सेलिंग की गई जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और FIIs यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी में लग रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ पे उनको एक तरीके का हायर पॉइंट के ऊपर एग्जिट करने का मौका मिल रहा है जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो FIIs के फेवरेट स्टॉक्स हैं वो आज गिरावट के साथ बंद हुए। जो भी अपमूव था वो बेसिकली कुछ PSU बैंक या ऑटो के स्टॉक्स थे या एक दो प्राइवेट बैंक थे, लेकिन जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, HDFC रिलायंस और इसके अलावा जो IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिसके अंदर FIIs ने निवेश किया हुआ था, उनके अंदर आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सेक्टोरल इंडेक्सेस देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे केवल बैंक्स और ऑटो ने मार्केट को संभालने की कोशिश करी और PSU बैंक के अंदर 5% का उछाल देखने को मिला। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि बजट के अंदर ये PSU बैंक्स के बारे में कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग हो रही है PSU बैंक्स में। हो सकता है प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आ जाए या कुछ और, मतलब जिसको कह लीजिए कंसोलिडेशन या मर्जर की न्यूज़ आ जाए। मैं इसके बारे में कुछ स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये बैंकिंग सेक्टर में खासतौर पे PSU बैंक्स में कुछ बड़ा हो सकता है बजट के अंदर। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स आपको रेड में दिखेंगे जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, यहाँ पे मैंने 3 फरवरी की ऑप्शन चेन ओपन की हुई है। ऑप्शन चेन को समझने के लिए हमें नेट एडजस्टमेंट्स को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे नेट एडजस्टमेंट्स क्या की गई आज बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो यहाँ पे नेट एडजस्टमेंट्स में क्लाइंट्स ने लॉन्ग पोजीशन सेट करी और उसके अंदर ये पोजीशंस पुट साइड पे शॉर्ट मतलब पुट राइटिंग के द्वारा की गई। DIIs ने जो अपनी कुछ पुट लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हुई थी हेजिंग के पर्पज से उसको क्लोज किया। तो इस डेटा को हम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि DIIs मार्केट में ट्रेडर्स नहीं है और FIIs ने यहाँ पे कॉल साइड पे शॉर्ट किया, पुट साइड पे लॉन्ग किया और प्रॉप डेस्क ने पुट लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट की। तो बेसिकली यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का ओपिनियन आपको पता लग गया होगा कि बड़े प्लेयर्स का ओपिनियन यहाँ पे वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की और क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमें बुलिश होते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अब इस डेटा के साथ हम ऑप्शन चेन को देखेंगे तो हमें समझने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस आप इन द मनी में देख सकते हैं 17,100, 17,000 और 16,900, तो ये पोजीशंस FIIs के द्वारा क्रिएट की गई। पुट राइटिंग की जो पोजीशंस हैं ये क्लाइंट्स के द्वारा क्रिएट की गई, लेकिन इन द मनी में जो है कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा छोटे प्लेयर्स को भी कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी 17,200 के ऊपर। तो यहाँ पे 17,100 के ऊपर मार्केट को इस वजह से रेजिस्टेंस देखने को मिला और यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 17,000 के ऊपर
दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ 16,900 तक हमें कॉल राइटिंग की पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। तो बेसिकली इस डेटा की सहायता से, नेट एडजस्टमेंट्स की सहायता से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें वीकनेस का संकेत मिल रहा है और यहाँ पे अपसाइड का कोई भी एज सच या स्ट्रेंथ का संकेत इस समय नहीं दिख रहा। मार्केट डायनेमिक है, हो सकता है कल अपना मूड चेंज कर ले, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। तो बेसिकली क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मंथली एक्सपायरी थी तो यहाँ पे फ्यूचर्स में एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला नेट पोजीशंस के बेसिस पे, और यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो क्लोज की गई। अब इस डेटा को आप कंसिडर करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, फ्यूचर्स की पोजीशन आज एक्सपायर भी हुई और यहाँ पे हम केवल जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी 27 जनवरी को, और 25 जनवरी जो ट्यूसडे का डेटा था उसके अंदर इस महीने की एक्सपायरी की पोजीशंस भी थी, लेकिन हम इसको फिर भी कंसिडर करेंगे। तो ये डेटा हमें, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। लगभग 13% के आसपास यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हुई। दोस्तों प्रॉप डेस्क ने चाहे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की, लेकिन फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस उन्होंने यहाँ पे बनाई नहीं, और क्लाइंट साइड के ऊपर सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई, इसलिए LS रेशो में इंक्रीज देखने को मिला। तो फ्यूचर्स का डेटा एक्सपायरी वाले दिन हमें एक स्ट्रेंथ का इशारा कर रहा है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे अपना ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर देखें तो उसके अंदर गिरावट हुई जो कि एक वीकनेस का संकेत है। मनी फ्लो चाहे यहाँ पे स्कोर डिक्रीज हुआ, लेकिन ये अभी भी ग्रीन जोन में है, तो ये हमें स्ट्रेंथ का इशारा कर रहा है। तो हम 5 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर हमेशा कंक्लूजन निकालते हैं। फ्यूचर्स का डेटा हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, कैश का डेटा हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, मनी फ्लो हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, और हमारा जो ऑप्शन चेन इंडिकेटर है, स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर, वो हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये 5 डेटा पॉइंट्स हैं, इसमें जो मेजॉरिटी व्यू है हम बेसिकली उसी व्यू के साथ आगे बढ़ते हैं, और मेजॉरिटी व्यू हमें वीकनेस का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों अब हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9:26 पे हमें संकेत मिला था, और वो भी ऑलमोस्ट पीक के नज़दीक। तो उस समय बेसिकली आपके 17,000 और 17,100 के ऊपर कॉल राइटिंग शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे सडनली आपको कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली होगी। उसके बाद मार्केट ने फिर से रेफरेंस पॉइंट को टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। तो मैं जैसा कि हमेशा आपको कहता हूं कि रेफरेंस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती मार्केट, लेकिन लास्ट के एक घंटे में आज ब्रेक किया और यहां पे कंसोलिडेशन भी हुई, और यहां पे जब दूसरी बार टेस्ट करने की कोशिश की तो उसके बाद जो मूव आया वो और बड़ा मूव था नीचे की तरफ। पहली बार जो मूव आया था वो लगभग 120 पॉइंट्स के आसपास का था, 120-130 पॉइंट्स के आसपास का था, और उसके बाद जो अगला मूव आया उसके अंदर और भी यहाँ पे 60-70 पॉइंट मार्केट नीचे चली गई। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने फिर से, जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे जो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर बाइंग की गई, बैंकिंग के अंदर बाइंग की गई, तो उसकी सहायता से यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। फिर से जो है रेफरेंस पॉइंट को एक बार फिर से टेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में मार्केट फिर ऊपर की तरफ क्लोज हुई, और यहाँ पे 17,150 पे मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो हमारे जो लेवल्स हैं वो हमेशा काम करते हैं, और नेट बेसिस पे मार्केट रेड में ही बंद हुई, जैसा कि हमारा ट्यूसडे को मार्केट के प्रति व्यू था। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट सेंटिमेंट वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मार्केट सेंटीमेंट के, कल शाम को एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।